नोटबंदी कर पूरे देश में काले धन वालों की कमर तोड़ दी। समानांतर चल रही काले धन की अर्थव्यवस्था इस कदम से समाप्त होगी। कल सरकार ने काला धन रखने वालों को एक मौका और देते हुए कहा कि जिसके पास भी काला धन है, यदि वो 31 मार्च 2017 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उसे घोषित कर देगा तो उस धन पर 50% पेनाल्टी देनी होगी। बाकी रकम में से 25% तुरंत मिल जाएंगे और बाकी के 25% 4 साल बाद मिलेंगे। इस योजना की घोषणा शुक्रवार को रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अधिया ने की। इस योजना के तहत पैसा जमा करने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे, साथ ही वेल्थ टैक्स, सिविल कानून और अन्य टैक्स कानूनों से छूट मिलेगी। लेकिन यदि हवाला या बेनामी प्रॉपर्टी का मामला बनता होगा तो कार्यवाही की जाएगी। सरकार की इस योजना से जहां काला धन रखने वाले सामने आएंगे, वहीं गरीब लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एकत्रित हुए पैसों से गरीबों के कल्याण की अनेक योजनाएं चलाई जाएंगी, जिसका सीधा लाभ गरीबों को मिलेगा। सरकार का ये कदम सराहनीय है। जिसके भी पास अगर अभी भी कोई अघोषित आई है और डीमोनेटाइजेशन के वजह से अभी उसको ऑप्शन ही नहीं है उसको बाहर लाने के अलावा कोई, तो उनके लिए एक अंतिम रास्ता मिले उसके लिए सरकार ने एक और एक स्कीम का भी उसमें प्रावधान किया है, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट एंड टैक्सेशन रेजीम फॉर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना में कोई भी व्यक्ति या तो कंपनी, कोई भी एसएससी जो है वो अपनी अघोषित आय का करीब 50% 49.9% टू बी प्रिसाइज 50% टैक्स सरचार्ज एंड पेनल्टी भर के और उसके बाद 25% अमाउंट डिपॉजिट के रूप में, 4 साल की डिपॉजिट जिसमें बिना इंटरेस्ट बिना कोई सूद के डिपॉजिट रखनी है सरकार के पास 4 साल के लिए, तो वो डिपॉजिट करने के बाद एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के पास और वो अपनी अघोषित आय को डिक्लेयर कर सकते हैं। जब वो ऐसा करेगा तो उसके बाद उसको प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टी की बाकी सब झंझट में से मुक्ति मिल जाएगी और ये स्कीम की अंतिम अवधि होगी 31 मार्च 2017। ये स्कीम आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ जुड़ी हुई है, मतलब कि इसकी जो धनराशि है मोस्ट पार्ट ऑफ दी धनराशि वो गरीबों के कल्याण में इसमें यूज होगी, तो हम चाहते हैं कि लोग इस योजना में जुड़े और इस काम के माध्यम से वो गरीबों के कल्याण में भी योगदान करें। मैं चाहता हूं कि मोदी जी की मुहिम कामयाब हो, जो अच्छा काम कर रहे हैं बैंक वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसमें हो सकता है कि ये मेहनत करने वालों की संख्या करीब 90% हो, तो एक बार तो उनके लिए जोरदार ताने बजाए जरूर सोचते हैं। लेकिन इन बैंकों में कुछ ऐसे भी लोग घुसे हुए थे जिन्होंने सच में मोदी जी के साथ देश के साथ एक तरह से गद्दारी कर रखा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और आगे भी बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने बैंकिंग सिस्टम को कैसे अकाउंटेबल, कैसे ट्रांसपेरेंट बनाए और लोगों का भरोसा ना टूटे, ये इस सरकार की और आदरणीय मोदी जी की सबसे बड़ी चुनौती। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि क्या ये स्कीम जिस इरादे से शुरू की गई थी वो सफल हो रहा है? क्या आपको लगता है कि काले धन की समस्या भारत में खत्म हो गई है, हो जाएगी 30 दिसंबर? ये सच है कि 500,000 रुपए के नोट वापस आने चाहिए। एक भोपाल में कार्यक्रम था, रमेश जी भी वहीं पर थे। मैं इस मुद्दे को पिछले मतलब 5 साल तक पूरे देश में जन आंदोलन बनाया। आपने कई सुझाव दिए थे, 500,000 रुपए का नोट वापस आना चाहिए, पार्टिसिपेटरी प्रोमिसरी नोट, यहाँ पर बैंक वाले भी बहुत से बैठे, पार्टिसिपेटरी प्रोमिसरी नोट वो उसको खत्म करना चाहिए उस सिस्टम को, और बैंकिंग अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी और उसके अंदर ये जो गोपनीयता हमारा जो मैटर है ना वो खत्म होना चाहिए सर, बहुत घोटाला। और इसके साथ साथ मैंने कहा था सारी चीजों को आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि सब नंबर एक पे ले आओ, ठीक है ले आओ, तो फिर टैक्स भी तो घटाओ,
मैंने तो ये भी सुझाव दिया था एक सिंगल ट्रांजेक्शन टैक्स लगा दो, सारे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वैट, फैट, जीएसटी सब। अब कुछ हो सकता है आगे कुछ हो जाए, उम्मीद तो यही करते हैं। देखो कोई भी चीज एकांगी रूप से होगी तो गड़बड़ोगे, सर्वांश में चीजों को लेना पड़ेगा। एक आपने जिक्र किया कुमारे का, कुछ कुछ आपने कहा, तो बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि ये सवाल मैं आपसे पूछूं, तो गुस्ताखी माफ करिएगा। इस देश में कुमारे लोग जो आजकल बड़ी ताकत या प्रभाव के पद पर है, सिंगल में बड़ी दिक्कत है, 24 घंटे एक ही काम में लगे रहते हैं, एक दिल्ली में एक यहाँ। ये प्रपोजल है सर, उम्र का कोई संबंध है नहीं शादी ब्याह प्रेम रोमांस से, तो कोई आइडिया विचार करेंगे? देखो जिसके पास में काम ही काम होता है, जिसके पास में सुबह से शाम तक काम ही काम होता है, उसके पास में काम वासना के लिए स्थान नहीं होता है। लेकिन ये भी जीवन को संपूर्ण करता है, आपके पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करता है। पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करता है नहीं करता है, ये तो उनसे पूछ लो जिनने हो रखी है। तो जहां तक प्रश्न आदमी की सक्सेस का है कि जिसको थोड़ा कामयाब हो होना हो, तो किसी एक औरत का उसके पीछे हाथ होता है ऐसा हमने सुना है। थोड़ा कामयाब होना और बड़ा कामयाब होना हो तो देश की सारी माँ बहन बेटियों का आशीर्वाद ले लो। तो एक का आशीर्वाद लेता तो फिर कैसे एमएनसी को टक्कर दे पाता? इसलिए मैंने सारी माँ बहन बेटियों का आशीर्वाद ले लिया एक साथ। ये सब मेरे लिए भगवती स्वरूपा है और सच में इन दुआओं का प्रार्थनाओं का मेरी जिंदगी पर असर होता। अगर महिलाओं को सशक्तिकरण की बहुत बात होती है और बात होती है कि इक्वल समाज की अगर संरचना करनी है तो उनको सिर्फ अब आगे नहीं पढ़ना चाहिए, उनको दरअसल बराबर नहीं होना चाहिए, उनको आगे पढ़ना चाहिए। तो चूंकि आपने माताओं बहनों का जिक्र किया है तो इस पर थोड़ा सा अपना विचार विस्तार से समझाइए, क्योंकि हमको लगता है कि महिलाओं को जब तक कोई समाज आगे नहीं रखता तब तक वो समाज आदर्श समाज नहीं बन सकता। देखिए दो चीजों में जो आगे होगा वो वर्ल्ड को लीड करेगा, एक नॉलेज में और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस। तो मैं चाहता हूँ कि माँ बहन बेटियाँ नॉलेज में तो आगे आ गई हैं, चाहे 10वीं 12वीं का एग्जाम हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सब जगह अब बेटों से आगे बेटियाँ हैं। इसके लिए तो बेटियों का अभिनंदन कीजिए। तो एक छोर पर तो जीत इन्होंने हासिल कर लिया। दूसरी बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप की, इसमें आर्थिक ताकत भी इनको संचित करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी। बहुत से प्रोफेशनल्स आज मीडिया से लेकर के जुडिशरी से लेकर के विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सब जगह हम देखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स में, एग्जीक्यूटिव्स में और बड़े बड़े प्रोफेशनल्स में सब जगह महिलाएं आगे हैं। अभी भी हम भी कुछ कामों में हम तो अपने पतंजलि योगपीठ में हर जगह बराबरी का दर्जा देकर के चलते हैं। हमारे चाहे प्रोफेशनल्स हों, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो हमारा, चाहे रिसर्च हो, हमारे दो रिसर्च डिपार्टमेंट हैं, उनकी हेड दोनों ही लेडीज हैं। योग का हमारा डिपार्टमेंट का हेड है डॉक्टर सलेक्ट मॉडर्न लेडी है, दूसरा हमारा पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है, करीब 200 साइंटिस्ट हमारे यहाँ काम करते हैं। तो वहाँ हम तो सब जगह हमारे योग में, हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में, बल्कि बेटों से ज्यादा बेटियां हो गई। तो सब जगह नॉलेज में और मैंने कहा बाकी एंटरप्रेन्योरशिप में, अभी जैसे हमने पतंजलि आस्था धूप सामग्री अगरबत्ती बहुत बड़ा पूजा का वर्टिकल, आस्था पूजा सामग्री, इसमें कम से कम मुझे उम्मीद है कि हम 25-50 हजार लेडीज को हम नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाएंगे। टेक्सटाइल में हमें उम्मीद है कि 50,000,000 लेडीज को हम नए अवसर उपलब्ध करा पाएंगे, और उसमें तो डिजाइनिंग में और दूसरी चीज में तो जो है महिलाएं सबसे ज्यादा आगे होती है। तो जितना मुझसे बन पाएगा एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में, अभी हम डेयरी में जा रहे हैं तो डेयरी का भी जो संभालना होता है काम लेडीज ही संभालती है। तो हर ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स में, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है अब ज्ञान शक्ति के बाद अर्थ शक्ति में भी महिलाएं आगे आएंगी, निश्चित रूप से
मैं यहाँ कोई कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मातृशक्ति इस देश में गौरवान्वित तो होगी, ये भविष्य में होने भी वाला। बिल्कुल, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को और आपका लाभ मिले बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाते, तो दो जगह आपने जिक्र किया, एक मुझे लगता है एजुकेशन आपने खुद ही कहा, दूसरा डेयरी। ये प्लान आपका बहुत ही बड़ा होने जा रहा है, और फिर उसमें मुझे तो वही अनुमान लगता है कि शायद अमूल की हमारे भारत की एक बड़ी शानदार कंपनी है, और नॉर्थ में डेयरी का बहुत बड़ा काम भी हुआ नहीं है, जबकि दूध दुनिया का सबसे ज्यादा नॉर्थ में होता है। तो दूध और डेयरी और शिक्षा, इन दोनों क्षेत्रों में कब और क्या होने वाला, अगला कदम क्या है, मौका किस तरह से आने वाला है हम लोगों के लिए? डेयरी का काम तो हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, अभी एक बहुत बड़ी डेयरी हमने जो कि सिप पड़ी हुई थी, तो ये भी हमारा कई कई जगह हम देखते हैं कि उसमें बैंक भी डूबते हैं। अब बैंकों का 100-200 करोड़ 500-1000 करोड़ लेके लोग बैठ जाते हैं, फिर चला नहीं पाते तो बैंकों की भी नुकसान होता है। तो कई तो सिप यूनिट भी हम कुछ ले रहे हैं कि जिससे कि कुछ बैंक भी थोड़े उभर जाएँ, कुछ वहाँ लोग जुड़े हुए थे उनको भी अवसर मिल जाए, जो खंडर पड़ी चीज़ें उनको भी हम कुछ कुछ जगह, सब जगह तो नहीं जाएंगे हम सिप यूनिट्स में। तो एक तो हमने डेयरी का शुरू कर दिया, बाकी आगे हम राजस्थान में भी शुरू कर सकते हैं डेयरी का काम, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है राजस्थान, और राजस्थान में ज़्यादातर लोग ईमानदार हैं। कुछ लोगों को बेईमानी का शब्द बात नहीं पता था। मैंने कुछ छोटे बच्चों से पूछा तो बोले बाबा जी भ्रष्टाचार क्या होता है, ये बेईमानी क्या होती है, उनको पता ही नहीं। तो आजकल मुझे ये फिर जानकर क्या आश्चर्य हुआ, आजकल जो बच्चों के गेम्स हैं उनमें भी करप्शन सिखाते हैं, उनमें भी बोले उसको भाई हाँ बोले मैंने देखा था उसको पैसे दे करके उसको हरा दिया था, तो बोले ये भ्रष्टाचार। राजस्थान में अभी भी जो है थोड़ा इन इलाकों को संभालने की जरूरत है जो इधर दिल्ली के आस पड़ोस में है क्योंकि जो है थोड़ी हवा लगती है ना उधर की। तो बाकी जो उधर के जो जैसलमेर जोधपुर बीकानेर और आगे दूर के इलाके हैं ना, अरे उनको बीमारी का पता ही नहीं क्या। तो राजस्थान में और बाकी हमको करीब 5,000 टन एलोवेरा चाहिए, सुनो राजस्थानी 5,000 टन एलोवेरा। बंजर जमीन में भी आप 80,000 रुपए से लेकर के 1-1.5 लाख रुपए तक का एलोवेरा लगा सकते हो बंजर जमीन में, एक एकड़ जिसमें कुछ नहीं होता। ऐसे ही हमको करीब 4-5 हजार टन हमको आमला चाहिए। ऐसी फिर और बहुत सी चीजें हैं, तो जड़ी बूटियां अश्वगंधा से लेकर के तुलसी से लेकर के नीम से लेकर के आंवला एलोवेरा से लेकर के, फिर डेयरी वाला, ऐसे ये कार्यक्रम इसी 2017 में ही हमारी कोशिश होगी बहुत से कार्यक्रम हम पूरे देश के साथ साथ यहाँ राजस्थान में भी शुरू करें। आप स्वदेशी की बहुत बात करते हैं स्वामी, लेकिन मुझे एक आपत्ति है, वो ये है कि आपको बुल्स का स्पर ब्राजील से इंपोर्ट क्यों करना है, इंडियन बुल्स पे भरोसा नहीं आपको? दरअसल एंड्रॉइड ट्रांसप्लांटेशन और सीमेन सिलेक्शन, ब्रीड सिलेक्शन, ये तीन बड़े कार्यक्रम हम तो देसी गाय के नस्ल के लिए करते हैं। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ के राजाओं के वक्त तो ये काम चलता रहा, जब से तथाकथित लोकतांत्रिक सरकारें आई इन्होंने पंथ निरपेक्षता के चक्कर में गाय को भुला दिया। पर गाय ने क्या बिगाड़ा था, जब दुनिया में इस्लाम नहीं था, जब दुनिया में ईसाइयत नहीं थी, जैन बौद्ध हिंदू ये शब्द नहीं थे, उस समय भी दुनिया में गाय थी, इसलिए गाय से भुला दिया। मजहब तो सारे 2,500 सालों में सारे मजहब सिमट जाते हैं, तो भाई उस गाय को क्या किया? कुछ राजस्थान के राजे महाराजाओं से, ब्राजील से लेकर के कुछ दूसरी कंट्रीज में अपने हिंदुस्तान के ब्रीड गिर आ गई और दूसरे नस्लों को लेके चले गए। वो गिर नस्ल की गाय आज ब्राजील में 50-60 किलो दूध देती है, उसका हम वो जो है जो एम्ब्रियो है वो लेके आना चाहते हैं। तो वो जो एम्ब्रियो लेकर के आएंगे, मैंने ऐसी गाय और ऐसा ही नंदी, उन दोनों के जो है स्पर्म ओवम को मिला दिया, सीमन ले लिया और इस गाय का ओवम ले लिया, तो उन दोनों को मिलाकर एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बोलते हैं उसे। वो भ्रूण जब लेकर के आएंगे तो पहले ही ब्यांत में जो गाय
बिल्कुल दूध भी नहीं दे रही है, गाय स्वस्थ होनी चाहिए, थोड़ी हेल्दी होनी चाहिए, तो उस सैरोगेट मदर की तरह उसका इस्तेमाल करेंगे और उसकी कोख से पहले ही ब्यांत में 30 से लेकर के 60 किलो दूध देने वाली बछड़ी पैदा होगी पहले ब्यांत। ये है और ब्रीड सिलेक्शन, अपने यहाँ अभी भी गाय है, हमारे यहाँ भी गाय है, देसी गाय जो अपने हिंदुस्तान की, हमने इसको थोड़ा विकसित किया, उसको अच्छी खुराक देनी पड़ती है, ख्याल रखना पड़ता है, तो 25-30 किलो दूध देने वाली गाय हमारे पास में भी है, ऐसी पूरे देश में से अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन करना। फिर एक तीसरा प्रश्न आता है, हमारे यहाँ ऐसे अग्रवाल साहब बैठे, उन्होंने कहा अच्छा किया कि यहाँ जो कुछ किसानों को नदी दी बैल दी, तो उनसे उन्होंने बुकियां दी, बुकी दे करके उनको काम में लगाया, ट्रांसपोर्टेशन का कम, डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, प्रदूषण बहुत बढ़ रहा था, उस समय काम भी मिला, लेकिन ज्यादा बैलों को हम काम नहीं दे सकते आज की डेट में, तो कोशिश ये हो कि हमारी 99% बछड़ियां पैदा हो, उसके लिए सीमेन सिलेक्शन एक प्रोसेस है, तो उससे बछड़ियां पैदा होगी, तो ये आगे जो हम काम करने जा रहे हैं गाय के ऊपर बहुत बड़ा, और ये काम 2017 में शुरू हो जाएगा, और बाद में आपको हम 50-60 किलो दूध देने वाली बछड़ी दान में देंगे। और आपने कल भी मजाक में कही कि आप कहीं भी जाते हैं तो पैसे नहीं लेते, उसमें तो कहानी बहुत बदल गई है स्वामी जी, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। अब यह है कि इस वक्त देश के मीडिया को सबसे ज्यादा सपोर्ट, सबसे ज्यादा पैसा पतंजलि से मिल रहा है, सबसे बड़े एडवर्टाइजर आप हो। अच्छा है देसी मीडिया, अभी पूरे मीडिया से देसी मीडिया है, उसको उठाना है, उठाना है। नोटबंदी के बाद औरों के आरो कैंसिल हो रहे हैं प्लीज ऑर्डर, आपने तो नवंबर महीने में कैंसिल नहीं किया था, आपने कैंसिल नहीं किया, हमको थोड़ा बोला कि थोड़ी प्रॉपर्टी और दे दो, पता नहीं ये सच है कि हमने सपोर्ट किया है, लेकिन इसमें भी एक स्ट्रेटजी है, इसमें भी एक स्ट्रेटजी है, आज भी हम हिंदुस्तान लीवर के करीब 10% में ही होंगे, लेकिन हमने स्ट्रेटजी ऐसी बनाई, और वो रहस्य क्यों खोले भाई, ये हमारी स्ट्रेटजी, ये हमारा सीक्रेट है, सीक्रेट नहीं, हमारा सीक्रेट ये है कि हम हिंदुस्तान यूनिलीवर से 10% दिखते हैं और उसके ऊपर भारी पड़े हुए हैं, तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, 10% स्पेंड करने के लिए, उसका 10% स्पेंड करके उसके ऊपर हम भारी पड़ गए, ये तो हमारी जीत है, ये तो दिमाग है देसी दिमाग। सर ये सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट सामने खड़ा है। अब आपकी इजाजत हो तो थोड़ा हम लोग अपने मेहमानों से जी जरूर सवाल, मेहमान बहुत अच्छे हैं, वेलकम, प्रणाम सर, नमस्ते, मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और अभी आपने जितनी भी चीज़ें बताई कि आने वाले समय के अंदर कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आप इस देश को देने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी को हम किस तरीके से आप तक पहुँच पाएंगे? यदि आप सीए हैं और आपने कोई फर्म नहीं खोली है तो आप सीधे आ सकते हैं, आपको मैं गोद ले लेता हूँ अभी से, मुझे सीए की भी जरूरत है, और यदि फर्म खोल रखे और 4-5 है तो उनके साथ में आ जाओ, कुर्बे के साथ, तो जो भी लोग हैं उनको हमारे, हमने इसके लिए अपने अखबारों में भी विज्ञापन दिए थे पहले, तो अभी भी आप आस्था चैनल देख लेना, उसके ऊपर HR पतंजलि कैरियर और वो सब हमारी वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर आप जो भी आप अपना कोई भी डाउनलोड करेगा तो हमसे जुड़ सकता है, हमने अलग अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटीज के लिए अलग अलग प्रकार के पतंजलि आयुर्वेद की हमने वेबसाइट के ऊपर वो सारे सिस्टम्स दिए गए, तो वहाँ कोई भी जाकर के खोले प्लेटफॉर्म पर आदमी संपर्क कर सकता है, फिर हमारे प्रोफेशनल से उनसे कोऑर्डिनेट करें। जी और मैंने बाईपास सर्जरी 2007 में करवाई और मैं योगा कर सकता हूँ क्या, आपका जो प्राणायाम है 2007 में करवाई थी ना, तब तो दूसरी बार कराने का वक्त आ सर है सर, ये 10 साल चलती है करीब करीब, उसके बाद यदि योग नहीं करोगे तो दोबारा नौबत आ जाती है, इसलिए आप अभी से शुरू कर दो। मैं कौन सा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप प्राणायाम ज्यादा करो, आसन करने से कोई आर्टरी नहीं खुलती है, आसन करने से हार्डवेयर अच्छा होता है, प्राणायाम करने से पूरा सॉफ्टवेयर ठीक होता है, इसलिए प्राणायाम करो, और प्राणायाम सारे प्राणायाम कपालभाति भी करो, अनुलोम विलोम ज्यादा करो, कपालभाति थोड़ा धीरे करो, आपकी यदि आर्टरीज में ब्लॉकेज पहले भी कुछ थे ना, कुछ तो चेंज कर दिया बाईपास करके, जिनमें बंद होगी वो भी ओपन हो जाएगी, नहीं तो खोले आर्टरी भी तैयार हो जाएगी, लौकी का जूस पीना और मस्त रहना एकदम। स्वामी जी आपने अभी बोला था, अभी कहा था कि स्वदेशी को आप एडवोकेट करते हैं, स्वदेशी, और आपने कहा कि मैं कंट्री नंबर कंट्री नेशनल से टक्कर लेते हैं, दूसरी बार आपने और भी कहा कि हम इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट को फैलाएंगे जी, तो फिर आप मल्टीनेशनल बन जाएंगे। हाँ, इसको
वो यहाँ आते तो आप कहेंगे नहीं आ रहा और आप पूरी दुनिया में फैलना चाहते। हाँ, इसको मैं बताता हूँ ये पूरा दर्शन कैसे। जैसे हम अभी नेपाल में गए तो हमने नेपाल में सिद्धांत वहां बनाया कि पतंजलि नेपाल से जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो सब नेपाल की ही सेवा में लगाएगा, इसलिए वहां विदेशी नहीं होंगे, वही स्वदेशी होंगे। इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, डिसेंट्रलाइज एंड जस्टिसफुल डेवलपमेंट, दिस इज द मॉडल ऑफ स्वदेशी। मैंने अंग्रेजी में बता दिया। हाँ, एक सवाल वो सवाल कि हमको जिस देश में जाना उस देश की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना है, वहां से कुछ लेके नहीं आना, यही तो स्वदेशी का मॉडल। हाँ, जिनके पास पहले ही ज्यादा है तो सन्यासी का काम है, एक नदी सूखी है पड़ी भी है तो थोड़ा पानी जो जहाँ बाढ़ आने की संभावना उसको थोड़ा सा सूखी में डाल दो। जी, मैं डॉक्टर मालती गुप्ता हूँ और पेशे से प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कहा तो क्या आपके पास जो दिव्यांग बालिकाएं खासतौर से उनके लिए भी कोई प्रपोजल्स हैं? और एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि बच्चियाँ ज़्यादा पैदा करेंगे, मतलब फीमेल गाय आप ज़्यादा पैदा करेंगे, तो हमारे देश में एक तरफ बेटियाँ को मारा जा रहा है, बच्चियाँ ज़्यादा पैदा कर रही हैं, तो उसके लिए भी कुछ संदेह? गाय में तो उसको गौरव हमने दिला दिया है और बेटियों के संदर्भ में मैं एक बात कहूँगा। कुछ लोगों में दो गलत फहमियाँ हैं, एक तो यह है कि पुत्र जो है वंश को तारता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पुत्र और पुत्री वंश एक ही होता है। इसलिए यदि पुत्र आपके वंश की शोभा बढ़ाता है तो पुत्री भी उतनी शोभा बढ़ाती है, और जीवन में और जगत में यदि सौभाग्य का कोई प्रतीक है तो बेटियाँ हैं। इसलिए एक बात मैं बहुत बड़ी कह रहा हूँ और वो आप देख चुके होंगे और देख लेंगे, जो भी माता अपने कोख में किसी बेटी को मारेगी या जिस खानदान में किसी बेटी की क्रूरता से बर्बरता के साथ ही हत्या करने वाला काम है वो कुल वंश खानदान नष्ट होगा। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, ये ब्रह्म हत्या है, ये जीव हत्या है, और ऐसे पापों से, ऐसे जघन्य पापों से हमें बचना चाहिए। जब नहीं बचेगा तो कुदरत उसका हिसाब किताब करेगी, इसलिए संभल जाओ तो अच्छा। सर जी, प्रणाम बाबा जी। प्रणाम भैया। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते राजनीति से जुड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, 2014 के जो इलेक्शन हुए लोकसभा के, उसमें 80 से 85 ऐसे सांसद थे जो कांग्रेस की झंडी में चुनाव लड़े थे पिछली बार। इस बार इलेक्शन आए तो बीजेपी के झंडी का चुनाव लेके आ गए, तो सर ये राजनीति को शुद्ध करने का क्या बाबा जी का विचार है? इसलिए मैं आजकल राजनीति से तटस्थ होकर के ज्यादा योगस्थ हो गया। तो मेरा क्वेश्चन बाबा जी है कि मेरी माता जी मेरे साथ है तो 65+ है, तो उनका क्वेश्चन ये है कि जो आश्रम है लेडीज 65+ फिजिकली और मेंटली, तो उनके लिए आपके आश्रम में या उनके लिए क्या सेवाएं हैं जो देखिए योग पीठ में सेवाएं हमने पूरा हमारा देश में महिला पतंजलि योग समिति संगठन है तो हमारे लाखों महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं जो योग में सेवा देती हैं और उससे सच में उनकी तबीयत भी अच्छी रहती है, उनको रेस्पेक्ट भी समाज में मिलता है और वो एक समाज में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाती है एक रचनात्मक समाज, स्वस्थ समाज के निर्माण में। तो माँ हमारे संगठन से जुड़ के सेवा दें, हम इनका स्वागत है। वैसे हमने एक फाइव स्टार हमने वानप्रस्थ आश्रम भी बना रखा है। मैं देखो बाबा जी खुद झोपड़े में रहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी प्रशंसक हैं, मेरे जितने फॉलोवर्स हैं, मेरे जितने भाई बहन हैं, वो सब जो है वो खूब संपन्नता में जी। और दिव्यांगों के लिए माने प्रश्न किया था, उनके लिए अभी मोमबत्ती अगरबत्ती कुछ इस तरह के हम बिजनेस मॉडल्स लेके आ रहे हैं, अभी उसमें हम काफी दिव्यांगों को भी काम देंगे, ये मेरे ध्यान में है, इसको हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। जी जी, अब पता नहीं योग की जो भी इनकम होती है उसके अंदर आप सीएसआर एक्टिविटी में कितना पैसा लगाते हैं? सारा ही सीएसआर करते हैं साहब, तुम तो 1-2% की बात पूछ रहे हो। सारा ही सीएसआर है, दरअसल ये सीएसआर उनके लिए किया था तो बहुत कंजूस है, कुछ नहीं करते। और आपको एक बात और बता देता हूँ, काफी लोग सीएसआर से भी ज्यादा चैरिटी एक्टिविटी करते हैं, यहीं पर बैठे मेरे साथ। तो
ये MNCs खास करके और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस हैं वो CSR में भी गड़बड़ी करती है, उसमें भी अपनी कंपनियां बना देती है, उधर से पैसा घुमा घुमा करके फिर बांट लेती है। तो आपने ये मैंने कहा ना, हमारा तो अपना कोई पर्सनल तो इंटरेस्ट ही नहीं ना, ना आचार्य वार्ष जी का ना मेरा, और कोई यहाँ कोई तीसरा है नहीं शेयर होल्डर, तो कोई प्रश्न ही नहीं। पतंजलि दर्शनी कृषि का नाम है, तो हमारा बचपन से ये संकल्प रहा है कि गौरव हमें अपने पूर्वजों को देना, उनका नाम आगे रखना, अपने बड़े हैं, इसलिए हमने अपने ब्रांड का नाम एक ऋषि के नाम से रखा, एक ऋषि के नाम से रखा। मैं रामदेव ब्रांड भी बना सकता हूँ, और भी कोई अटलू सटलू इतना बहुत बनेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई ब्रांड्स का कोई, अब डो का क्या मतलब होता है किसी को नहीं पता, ब्रांड है तो ऐसे। एक तो ये बात, दूसरा ये क्यों आया मन में, मेरे मन में बचपन से था एक विदेशी कंपनी आई जिसने हिंदुस्तान को लूटा, वो मेरे भीतर मेरे जेहान में बहुत एक गुबार आता रहता था। क्या नाम था उसका? ईस्ट इंडिया, सबको याद है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा, गुलाम बनाया, तो ये हजारों विदेशी कंपनियां देश को लूट रही है, इसके लिए मुझे कुछ करना। बहुत से लोग भाषण देते रहते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते रहते हैं ब्रांड बनाने की, बहुत आप यहां भी सुनोगे बहुत से लोगों को, ऐसे ब्रांड बनाओ, ऐसे प्रॉस्पेरिटी कमाओ, ऐसे सफलता पाओ, आखिरी जीत तुम्हारी, और चुनाव लड़ा तो 500 वोट भी नहीं मिले। मीन्स खाली कुछ लोग भाषण देते हैं, मैं उनके मोटिवेशनल स्पीच की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग और भी बहुत तरह के प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनकी भी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको सबसे ज्यादा कामयाब आदमी कहता हूँ जो जमीन पर कुछ करके दिखाते हैं। अल्टीमेटली तो कर्म है साहब, पुरुषार्थ है दुनिया में कुछ नहीं। तो हमने इसको बनाने की सोची, जो हार्ट अटैक का प्रश्न है, तो यदि रोज प्राणायाम किया जाए, करीब 20 मिनट का व्यायाम कर लो जो आपको पसंद आता है, दौड़ लो, घूम लो, कूद लो, दंड बैठक लगा लो, आसन कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, 20 मिनट का व्यायाम कर लो, और करीब आधा घंटे का प्राणायाम कर लो, थोड़ा लौकी का सेवन कर लो, लौकी के रेट भी बढ़ जाएंगे तो कोई नहीं, किसान भाइयों को मिलेगा पैसा, कोका कोला पेप्सी वालों को बहुत दे दिया जहर का पैसा, तो लौकी का जूस पियो, लौकी की सब्जी खाओ, प्राणायाम करो, फिट रहोगे। वो हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं इसका पक्ष हूँ, और ये सच है, यदि मैंने गो हत्या के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और कोई बड़ा आंदोलन छेड़ दिया तो इस देश में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लग करके ही रहेगा। हम पहले तो सोच रहे हैं कि मोदी जी को ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए, खुद ही कर देना चाहिए इस काम को। तो बाकी सारे साधु संत ने मेरे को कह रखा, बाबा जी आप खड़े हो जाओ, हम सब आपके पीछे खड़े हैं, आप करो। लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ कि गो हत्या पर प्रतिबंध लगने के साथ साथ उस गो की उपयोगिता पहले मैं तय करना चाहता हूँ, इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने ये बात कही है कि गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, ये मेरी भावना है, लेकिन मेरा कर्म भी ऐसा हो कि फिर वो गो हमारी समृद्धि का साधन बने। गो जो है आर्थिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारे लिए उपयोगी। स्वामी जी आपकी इजाजत से, आपसे वो कैसे कैसे प्रेरित होते हैं उसका एक उदाहरण, एक साहब है यहाँ जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज देना चाहते हैं। स्वामी जी प्रणाम। जी साहब, मैं दान सिंह से खाओ निवेदन कर रहा हूँ, मेरे नाम मेरे पिताजी की दी हुई 88 बीघा जमीन है, मैं गायों के लिए आपकी सेवा में 88 बीघा ये कागज ले गया। बाबा जी को इधर मंच पे बुला रहे हो, इसकी बड़ी हिम्मत है, 88 बीघा, बीघा यहाँ बड़ा होता है, 88 बीघा का मतलब हो गया करीब 2000 करीब 60 एकड़। क्या बात है, अगर राजस्थान के लोगों में इतनी है कि प्रणाम भी कर रहे हैं, दूर दूर जाते हैं। अब बताओ
आभार नंदन भाई, अच्छा करौली के पास ही। अभी करौली में भी एक बड़ा काम करने की सोच रहे हैं, शायद वो भी काम जल्दी हो जाएगा। यहाँ अजय आर्य जी मेरे साथ 30 साल में सेवा में है, आपके राजस्थान के ही हैं। बैराठी जी हैं, आयुष अग्रवाल साहब हैं, बहुत हमारे कार्यकर्ता विनोद जी हैं। हमारे तो हर जिले में हमारी समिति है, लोग कहते हैं हम तक पहुँचना मुश्किल है, हम तो इतने सबके लिए उपलब्ध हैं, फिर भी लोगों को यदि बाधा आती है तो उसका भी उपाय जरूर देखेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी संस्कार पुरुष स्वामी रामदेव भास्कर के 20वें सालगिरह इससे बढ़िया आगाज हो नहीं सकता था। आपने ज्ञान, अध्यात्म, विवेक, शरीर स्वास्थ्य, योगा, कविता सब उसका अनुभव प्राप्त किया, और हम चाहते हैं कि आज 4 करोड़ तक पहुंचा है, 4.5 करोड़ तक पहुंचा है भास्कर, आगे जब मिले तो ये 5-10 करोड़ तक की यात्रा पहुंचे, ऐसी हमारी शुभकामना। तो 5 करोड़ इनके फॉलोअर, 5 करोड़ इनके रीडर, 10 करोड़ के वोट बैंक की नई पार्टी बन गई भास्कर पतंजलि पार्टी। सुधीर, गिरीश और पवन जो इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति हमारे, तो भाई सुधीर जी, गिरीश जी और पवन जी के लिए मेरे पास जोरदार अभिनंदन, जिन्होंने इस मिशन को यहाँ तक पहुँचाया है, हमारे बहुत ही होनहार सुपुत्र है रवीश जी। और भाई जगदीश जी, ये हमारा बहुत प्यारा लाडला भी है, और इन्होंने आज यहाँ में रवीश जी का तो प्रेम है, लेकिन ये जगदीश भी है तो जगत का ही